ये कहानी है एक छोटे से गांव पुरवा और उसकी इस छोटी सी पुरवाई। पुरवाई और उसके दोस्त अब रोज स्कूल जाते हैं, क्योंकि स्कूल अब पहले जैसा नहीं रहा। बच्चे अब कंप्यूटर से पढ़ते हैं। वहीं एक छोटा सा कंप्यूटर पुरवा की डेयरी में भी लगा है, जिससे माप कर हर परिवार को दूध के बेहतर दाम मिलते हैं। पुरवाई का भी एक छोटा सा परिवार है, जिसमें जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है। लेकिन खिचड़ी का जन्म पुरवाई की तरह घर पर दाई की देखरेख में नहीं, गांव के पास के अस्पताल में हो, जो अब पूरी तरह विकसित हो चुका है। विकसित तो पुरवाई के पिता मनोहर की खेती भी हो गई। नई तकनीक ने छोटी खेती से भी आमदनी दोगुनी कर दी है। वैसे आमदनी का एक और जरिया है ये पोल्ट्री फार्म, जिसके लिए लोन मिला पुरवाई की मां गीता के स्वयं सहायता समूह से। पुरवा में अब कोई खुले में शौच नहीं जाता, खुले में तो बस अब ये होता है। पीने का पानी भी कुओं हैंड पंपों से नहीं, पाइपलाइनों के जरिए घर घर पहुंचता है। पुरवा के लगभग हर घर के बाहर है एक छोटी सी पोषण वाटिका, जहां रोजमर्रा की सब्जियां लोग खुद ही उगाते हैं। शाम होते ही पुरवाई के सारे दोस्त इस पीपल के नीचे मिलते हैं। पहले कुछ बच्चे अक्सर बीमार रहते थे, पर अब सब तंदुरुस्त हैं। सूरज डूबने के बाद भी पुरवा के घरों में अंधेरा नहीं होता। सौर ऊर्जा से मिली बिजली पूरे गांव को रोशन रखती है। वो अलग बात है कि पुरवाई को आज भी तारों के नीचे सोने में ही मजा आता है। ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें भारत के गांवों में हम रोज सबके साथ मिलकर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा संकल्प भी है और यही हमारा सपना भी। HCL समुदाय।